ये हमारी फोर्थ क्लास है। थर्ड क्लास में हमने पढ़ा था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं, और आज हम सीखेंगे कॉलम ऑपरेशन से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे। एग्जाम में अगर आता है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स, तो आप दोनों में से कोई सा भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आता है बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन तो आपको कॉलम से करना पड़ेगा, बाय यूजिंग रो ऑपरेशन तो आपको रो ऑपरेशन से वो करना पड़ेगा। इसलिए दोनों मेथड की प्रैक्टिस होनी हमें बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए आई, उसमें हम लिखते थे ए इज इक्वल टू आई ए, इसमें हम लिखेंगे ए इक्वल टू ए आई। ए मैट्रिक्स है हमें जिसका इन्वर्स निकालना है, आई है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तरीका वही लगेगा जो हमारा रो में लगा था, जिस हिसाब से हमने 1 फिर 0 बनाए थे उसी तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे। चेंज सिर्फ एक हुआ है कि जो ऑपरेशंस हम वहाँ रो में लगाते थे यहाँ पर हम वो ऑपरेशन कॉलम में लगाएंगे, यहाँ पर हम रो का यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए इज इक्वल टू ए आई, सबसे पहला काम क्या होता है, हमें यहाँ पर 1 बनाना होता है। अगर 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 1 नहीं है तो हम उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमारा कॉलम में यहाँ पर 1 है तो हम C1 और C2 को इंटरचेंज कर देंगे, कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज कर देंगे। इट मीन्स जो कॉलम 2 है वो कॉलम 1 पे आ जाएगा और जो कॉलम 1 है वो 2 पे आ जाएगा। लेकिन जो ऑपरेशन आप इस मैट्रिक्स में लगा रहे हो वही ऑपरेशन आपको इसमें भी लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 0 1 0 सेकंड कॉलम यहाँ पर आ गया, 1 0 0 0 0 1। अब रो ऑपरेशन में हम क्या करते थे, 1 बनाते थे और नीचे एलिमेंट जो होते थे उनको 0 बनाते थे। लेकिन कॉलम में क्या करेंगे, हम 1 बनाएंगे, उसके आगे और उसके पीछे जो एलिमेंट लिखे हुए हैं हम उनको 0 बनाएंगे। इसके आगे तो ये लिखा हुआ है एलिमेंट और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहां पर और यहां हम 0 बनाएंगे। लेकिन कॉलम जो हमारा 2 है वहां तो 0 ऑलरेडी बनी हुई है, तो यहां पर हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हमें कहाँ 0 बनाना है, यहाँ इस 2 को, ये 2 कौन से कॉलम में है, C3, तो C3 ही लिखेंगे और इक्वल टू इधर भी C3 ही लिखेंगे। और हम 0 किसकी हेल्प से बनाते हैं, इसी 1 की हेल्प से बनाते हैं। ये 1 हमारा कौन से कॉलम में लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉलम में, तो -2 × C1। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, एलिमेंट हमारा 0 बन जाएगा। ऐसे ही वही ऑपरेशन हम इधर लगाएंगे। अब मैं आपको लगाकर दिखाता हूँ साइड में, C3 C3 -2 C1। अब जरा ध्यान से देखना ये क्या लिखा हुआ है, 2, तो यहां पर हमारा 2 आएगा, फिर माइनस है, फिर 2 है, इंटू फिर C1 C1, इसी के सामने C1, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है यहां पे, 1, तो 1 इक्वल टू 0, क्योंकि C1 और C2 में हम कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं, तो C1 C2 को एज इट इज ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ हमारा 0 बन गया, और बनेगा भी 0 क्योंकि 0 बनाने के लिए ही हमने ये ऑपरेशन लगाया था। अब आइए यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है इसके, 3, तो 3 -2 × C1, इसी के आगे C1 क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2, तो ये आ गया -1। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1, तो
वन माइनस टू इंटू वन, ये आ गया हमारा माइनस वन। अब ऐसे ही ऑपरेशन हम यहां पर लगाएंगे, जीरो ये है हमारा जीरो, फिर माइनस टू सी वन इज इक्वल टू माइनस टू, और ये हमारा हो गया वन। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इसी तरह से जैसे हमने इससे पहले हमने रो मेथड जो किया था, अब हमारा ये पहली रो बनकर तैयार हो गई है। वन बनाना है, आगे जीरो बनानी है, फिर वन बनाना है पीछे और आगे जीरो बनानी है, फिर यहां पर हमें वन बनाना है और इसके पीछे हमको जीरो बनानी है। तो अब हमारा पहला जो कॉलम है वो कंप्लीट हो गया, ये मैट्रिक्स हमें यहां से यहां पर बनानी है। अब हमारा एम है यहां पर वन बनाना। अब क्योंकि यहां तो वन बना हुआ ही है, अगर वन बना हुआ नहीं होता, सपोज करो यहां पे टू लिखा होता या थ्री कोई भी नंबर लिखा होता, तो कॉलम टू को मैं टू से डिवाइड कर देता, टू से सारे इसको और टू को इनको भी मैं डिवाइड कर देता, लेकिन यहां पे वन है तो हमें वन बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बन गया है। अब क्या करना है, इसके पीछे का एलिमेंट यानी कि सी वन, सी वन माइनस टू सी टू, इसी वन की हेल्प से बनाते हैं, और ये वन हमारा सी टू में लिखा हुआ है और टू से मल्टीप्लाई करके यहां माइनस करना है, तो टू से मल्टीप्लाई करके हमने ये आ गया। और हमें इसके आगे जीरो बनानी है, मींस माइनस वन पे हमें जीरो बनानी, किसकी हेल्प से बनानी है, इसी वन की हेल्प से बनानी है, सी थ्री सिंपल इसको प्लस कर दीजिए सी टू। अब ये दोनों ऑपरेशन सी वन सी थ्री सी वन सी थ्री में हम लगा देंगे। अब हम इसमें आपको ये दोनों ऑपरेशन लगाकर दिखाते हैं। सबसे पहले सी वन, अब आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरूर नहीं कि पूरी कैलकुलेशन ऐसे ही करके दिखानी है। सी वन C2 में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और C1 में से माइनस कर दिया, यानी कि 1 माइनस 2 इंटू 0, तो ये 1 ही आएगा। यहां पर लगा के दिखाते हैं आपको। अब अगला एलिमेंट क्या है हमारा 2, तो ये 0 ही बनेगा क्योंकि हमने 0 बनाने के लिए ही ये ऑपरेशन लगाया है। अब 1, अब इसे देखिए 1 फिर माइनस 2 इंटू सी टू, सी टू कौन है इसके लिए 3, ये आ गया हमारा माइनस फाइव। ऐसे ही इधर आ जाइए, जीरो माइनस टू इंटू सी टू, सी टू इसके लिए वन है, तो ये हमारा आ गया माइनस टू, फिर वन माइनस टू इंटू जीरो, ये वन, और ये रहेगा हमारा जीरो। इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। अब C3 में क्या किया, आपने C2 को प्लस कर दिया है, तो जब 0 को प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 को प्लस करेंगे 0 आएगा, इसको इधर हम प्लस करेंगे कितना आएगा हमारे पास, ये 2 आएगा, फिर इसको प्लस करेंगे 1, इसको प्लस करेंगे हम माइनस 2, और इसको प्लस करेंगे तो हम कितना आएगा ये हमारे पास 1। तो इस तरह से हमारे दो रोज कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें तीसरा वन बनाना है, यानी कि यहां पर हमको वन बनाना है, कहां पर, सी थ्री में। तो हम सी थ्री को टू से डिवाइड कर देंगे। जब हम सी थ्री को टू से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा जीरो जीरो वन, ये आएगा हमारे पास वन अपॉन टू माइनस वन और वन अपॉन टू, और बाकी जो कॉलम है हमने उनमें कोई भी चेंज इस तरीके से हम यहां पर पहुंचे। अब हमारा आखिरी स्टेप रह गया क्या, कि इस वन के पीछे यानी कि थ्री पर और माइनस फाइव पर भी हमें जीरो बनानी है। तो कहां पे जीरो बनानी, यहां पर,
सी वन सी वन प्लस फाइव किसकी हेल्प से, सी वन की हेल्प से सी थ्री। और अब हमें कहाँ जीरो बनानी है, यहाँ पर जीरो बनानी है, ठीक है सी टू, तो सी टू माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे थ्री सी थ्री। अब ये दोनों ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये हमारी पूरी कंप्लीट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के बाद ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के बाद जो ये मैट्रिक्स होगी यही हमारी ए का इनवर्स होगी। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, जब हम रो या कॉलम ऑपरेशंस लगाने के बाद जो हम इनवर्स निकालते हैं, सपोज करो किसी भी स्टेप पर हमारे किसी भी कॉलम मेथड में, तो कॉलम में अगर कॉलम के तीनों एलिमेंट जीरो बन जाते हैं, या रो ऑपरेशन में कि इधर वाली मैट्रिक्स के रो में सभी एलिमेंट जीरो बन जाते हैं, तो वहां पर हम लिख देते हैं इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिलहाल हम ये लास्ट ऑपरेशन लगाएंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वहां पे हमारा मैट्रिक्स का इनवर्स निकल जाएगा। अब ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, लास्ट लास्ट ऑपरेशन है, तो यहां पर तो 0 0 1 ही बनेगा क्योंकि हमने यहां पर 0 बनाने के लिए ही ये ऑपरेशन लगाया। अब हम इधर लगा के दिखाते हैं, सी वन और सी टू में चेंज होगा, सी थ्री में कोई चेंज नहीं होगा, तो सी थ्री तो हम ऐसे ही लिख देते हैं एज इट इज, ऐसा का ऐसा ही। अब अप्लाई करते हैं, पहले पहला ऑपरेशन है सी वन प्लस फाइव सी थ्री। ये आप डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। तो सी वन यानी कि माइनस टू, ये सी वन है ना, फिर प्लस फाइव सी थ्री, सी थ्री कौन है हमारे पास, वन अपॉन टू, तो फोर, ये आ गया हमारे पास वन अपॉन टू। नेक्स्ट है हमारे पास वन, यहां पे प्लस फाइव सी थ्री, इसके लिए सी थ्री कौन है, माइनस वन, ये आ गया हमारे पास माइनस फोर, फिर जीरो प्लस फाइव अपॉन टू, ये आ गया हमारे पास फाइव अपॉन टू। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर इस सेकंड रो में लगाते हैं, सेकंड रो का ऑपरेशन हमारे पास ये है वन माइनस थ्री सी थ्री, इसके लिए सी थ्री कौन है, वन अपॉन टू, टू वन जा टू, ये आ गया हमारे पास माइनस वन अपॉन टू। इसी प्रकार जीरो माइनस थ्री इंटू माइनस वन, ये आ गया हमारे पास थ्री, और जीरो माइनस थ्री अपॉन टू, ये आ गया हमारे पास माइनस थ्री अपॉन टू। ये इधर हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। मैंने डेफिनेशन कराए थे अब क्लास थर्ड में, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम करते हैं और रिजल्ट हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स होती है। जैसे ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स होगी, ए इंटू बी इज इक्वल टू आई, इट मीन्स ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस, देयर फोर ए इनवर्स इक्वल टू वन अपॉन टू माइनस फोर, फाइव अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू, थ्री माइनस थ्री अपॉन टू वन अपॉन टू माइनस वन और वन अपॉन टू। हमें चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट आया है हमारा ये यानी कि ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन थी और ये इनवर्स, दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनता है तो क्वेश्चन ठीक किया है आपने, अदरवाइज नहीं बनता, किसी भी स्टेप पर आपकी कहीं पर भी गलती हुई होगी। तो ये हमारा हो गया एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालने। अब एग्जाम में आपका अगर सिंपल आता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से आप इनवर्स निकालिए, तो रो या कॉलम में से जो मन करे आप वो ऑपरेशन, वो वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर बाय नेम आता है बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो आपको फिर उसी मेथड से करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इफ ए इक्वल टू ए आई जे इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो हम डिनोट करते हैं ए के ऊपर डैश लगा देते हैं या फिर ए के ऊपर हम टी लगा देते हैं, रीड करते हैं उसको हम ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज किसे कहते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। जैसे ए ट्रांसपोज इसमें क्या होता है, इसमें एलिमेंट है ए आई जे, ऑर्डर क्या है एम बाई एन। अब यहां पर देखेंगे ए ट्रांसपोज का जो एलिमेंट है वो क्या हो गया ए जे आई, मींस जो एलिमेंट इसपे सेकंड रो और थर्ड कॉलम पे होगा वो ट्रांसपोज में थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट बन जाएगा, रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर देंगे। एक एग्जांपल है इसके साथ, एक मैट्रिक्स है 3 1 2 3 1 0 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 by 2, तो इसका ट्रांसपोज देखिए जो पहली रो है उसका कॉलम बना दिया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बना दिया। अब आप देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 by 2 और इसका ऑर्डर क्या आ गया हमारा 2 by 3, तो यह है हमारा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो आप ध्यान से देखिए। ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा, वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। ऐसे ही ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स का सम फिर उसका ट्रांसपोज, या तो दो मैट्रिक्स को पहले प्लस करके ट्रांसपोज कर दीजिए या दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज करके प्लस कर दीजिए, दोनों इक्वल है। सेकंड है के ए, के इज एनी कांस्टेंट, अगर हम किसी स्केलर नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, आप पहले ट्रांसपोज निकाल करके उस नंबर की मल्टीप्लाई कर दो तो भी दोनों इक्वल ही आएंगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ध्यान से देखनी है, ए इंटू बी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज, ये होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये ध्यान रखना इसके अंदर बी का ट्रांसपोज पहले आएगा ए का ट्रांसपोज बाद में आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई जब होती है तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होने चाहिए, लेकिन जब हम ट्रांसपोज कर देंगे तो उसके रो तो दूसरी वाली के कॉलम और दूसरी वाली के जो कॉलम है वो उसकी क्या बन जाएंगी रोज, इसी वजह से ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिसेस, काइंड ऑफ मैट्रिसेस हमने पहले भी पढ़ी थी, चार पांच तरह की जो भी हमने पढ़ी थी, अब नेक्स्ट है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिसेस, आ स्क्वायर मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट बात है मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो उसी के इक्वल आ जाए, मींस जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो हम उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, मतलब जो मैट्रिक्स होगी हमारी ए आई जे वाली मैट्रिक्स और ए जे आई वाली मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स हमारी आपस में इक्वल होंगी। इसको एग्जांपल के थ्रू देखिए, एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 2 5 6 2 सॉरी 3 6 और 9,
हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, जब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो क्या रिजल्ट आया, पहली रो का पहला कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि दोनों मैट्रिक्स तो सेम है, मींस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स से इक्वल आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब कभी भी हमें प्रूफ करना हो कि प्रूफ दैट ये मैट्रिक्स जो है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमेशा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए, अगर वो उसी के इक्वल आ गया तो वो सिमेट्रिक हो जाएगी और अगर उसके इक्वल नहीं आता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो नहीं होगी। और एक बात और, इसमें डायगोनल को छुपा लीजिए, तो जो एलिमेंट यहां लिखा हुआ है A12 पर वही A21 पे लिखा है, जो एलिमेंट A13 पे लिखा है वही एलिमेंट A31 पे लिखा हुआ है, तो ये भी एक पहचान होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A=AIJ इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, मीन्स जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के अपोजिट साइन के इक्वल आता है, मीन्स नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आता है। और इसकी एक दूसरी पहचान और भी है, एक कंडीशन और भी है इसकी, कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो हमेशा जीरो होंगे। देखिए ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, जो एलिमेंट A13 पे होगा उसका अपोजिट साइन A31 पे होगा, जो एलिमेंट A23 पोजीशन पे होगा उसका अपोजिट साइन का A32 पर होगा। सेकंड है ए आई जे इक्वल टू जीरो इफ आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे कहां पर होता है, डायगोनल के एलिमेंट में A11 A22 A33, तो डायगोनल के एलिमेंट जीरो होते हैं, जो एलिमेंट ये वन तो यहां पर क्या हुआ माइनस वन, ये माइनस टू तो ये टू, ये एलिमेंट थ्री है और ये एलिमेंट हमारा माइनस थ्री है। अब हम इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो का सेकंड कॉलम बनाया, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बनाया, तो ये अब आप देखिए ए ट्रांसपोज और ए को अभी इक्वल नहीं है। अब हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन लिया है, ये माइनस कॉमन लिया। जब किसी मैट्रिक्स में से कोई भी नंबर हम कॉमन लेते हैं तो वो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में से कॉमन आएगा, हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस टू, ये वन का हो जाएगा माइनस वन, थ्री का हो जाएगा प्लस थ्री, ऐसे ही सभी के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने के बाद जो मैट्रिक्स आई वो माइनस ए के इक्वल है, तो सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब कभी भी हमें ये प्रूफ करना है कि मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर वो ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के अपोजिट साइन के इक्वल आ जाता है तो इट मींस वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट में एक थ्योरम मैंने आपको बताई है, ये थ्योरम देखेंगे, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मींस ए प्लस ए ट्रांसपोज को प्रूफ करना है सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज को प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके देख लीजिए,
हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को हमने बी मान लिया। अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी है दो मैट्रिक्स के सम का, जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के सम के इक्वल आती है। तो इसी प्रॉपर्टी को जब हम यहां अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, नेक्स्ट में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के। ये आ गया हमारा ए, ए ट्रांसपोज प्लस ए को हम ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का जो सम होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के इक्वल होता है। तो ये किस, ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के। तो बी, अब बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी आ गया। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो देयर फोर बी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड, इसमें हमें प्रूफ करना था ए माइनस ए ट्रांसपोज को, तो हमने वही इसको सी मान लिया, इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद वो माइनस सी के इक्वल आ गया, सेम ऊपर वाली मैट्रिक्स की तरह ही, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप से ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके ऊपर क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी थ्योरम है हमारी, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी और एक मैट्रिक्स क्या होगी, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। फ्रॉम द थ्योरम, जो हमने इससे पहले हमने जो थ्योरम प्रूफ की थी उसमें हमने प्रूफ किया था ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, जो हमने इससे पहले वाली थ्योरम में हमने प्रूफ किया था। अगर इसका प्रूफ आता है तो वो जो हमने इससे पहले थ्योरम प्रूफ की थी वो थ्योरम का प्रूफ भी हमें इसके अंदर करना पड़ेगा। फिलहाल ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो हमने हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के के इंटू ए ट्रांसपोज। अब ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन वी कैन राइट, अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, दिस प्लस दिस, अगर इसमें आप एलसीएम लोगे तो ये ए ही आएगा। तो ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमारा मैट्रिक्स को ब्रेक करने का फॉर्मूला हो गया। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है जिसको हमें दो मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करना है, जिसमें से एक होनी चाहिए सिमेट्रिक, एक और होनी चाहिए हमारी स्क्यू सिमेट्रिक। जरा देखिए कैसे करेंगे हम इसको। बी मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसको हमें ब्रेक करना है, हमने बी का ट्रांसपोज निकाला तो पहली रो का फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज निकल गया। अब बी प्लस बी ट्रांसपोज निकालेंगे, बी माइनस बी ट्रांसपोज हम निकालेंगे, जैसे प्लस माइनस हम करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा, इन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। अब b प्लस बी ट्रांसपोज हमने निकाल लिया, उसका हाफ कर दीजिए, b माइनस बी ट्रांसपोज निकाल लिया है उसका हाफ कर दीजिए,
फिर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है b इज इक्वल टू हाफ ऑफ b प्लस ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ b माइनस b ट्रांसपोज, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। इसमें b की वैल्यू जो गिवन थी वो हमने लिख दी, ये हमने निकाला था वो लिख दिया, जो हमने ये निकाला था हमने ये लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करूंगा तो यही आएगा। अब हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी है। तो आप देखिए, जो एलिमेंट यहां लिखा हुआ है A12 पे वही एलिमेंट A21 पे लिखा हुआ है, जो एलिमेंट A31 पे लिखा हुआ है वही एलिमेंट A31 पे लिखा हुआ है। तो ये हो गई सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान क्या होती है? डायगोनल के सारे एलिमेंट तो जीरो होते हैं, और जो ए आई जे होता है वो किसके इक्वल होता है? माइनस ए जे आई के। मींस जो एलिमेंट ए टू वन पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी ए वन टू पे लिखा हुआ है माइनस वन अपॉन टू, तो ए टू वन पे क्या लिखा होगा? इसका अपोजिट मींस वन अपॉन टू, वन अपॉन टू। ये थ्री है और ये माइनस थ्री है, तो ये सिमेट्रिक हुई और ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड, एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है, इसको आप देखिए। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी हमारी कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, गिवन है, तो प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी माइनस बी ए को हमें चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, अगर उसी मैट्रिक्स के अपोजिट साइन के इक्वल आ गए, मींस माइनस के इक्वल आ गई है उसी मैट्रिक्स के, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब हम देखते हैं ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी हमारी कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A और B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, क्यों? क्योंकि दोनों मैट्रिक सिमेट्रिक है, ये गिवन है हमें, तो A सिमेट्रिक है मींस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, B सिमेट्रिक है मींस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। अब हमें इसको चेक करना है AB माइनस BA को, तो हमने AB माइनस BA को मान लिया C, कोई भी मैट्रिक्स मान सकते हो, C इज इक्वल टू AB माइनस BA। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे हम चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक आई या स्क्यू सिमेट्रिक आई या कोई भी नहीं है। C इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, तो C ट्रांसपोज मींस ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज इस पर भी आ जाएगा और ये ट्रांसपोज यहां पर भी आ जाएगा, तो मीन्स ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। फिर एक प्रॉपर्टी होती है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स रिवर्स हो जाती है, बी पहले और ए बाद में, तो ए बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की, ऊपर हमें गिवन था ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, तो B ट्रांसपोज के प्लेस पे B लिख दिया, इस यहां पर A लिख दिया, यहां पर A और यहां पर क्या आ गया? B, तो ये आ गया BA माइनस AB। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया AB माइनस BA, और AB माइनस BA क्या है? C, तो जो C ट्रांसपोज है वो माइनस C के इक्वल आ गया, इट मींस C, C मींस AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज की हमारी क्लास में इतना ही था, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं मैट्रिक्स के, हम उसको करेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा यहां पर खत्म हो जाएगा। तो इसकी अभी हमारी एक क्लास और बची है, इस क्लास के बाद आप मैट्रिक्स को, जो भी आपके पास हेल्प बुक है या जो भी कोई आपके पास फिलहाल बुक अवेलेबल है उससे इस पूरे चैप्टर को कर लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। Okay.